देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में एक बार फिर से जबरदस्त चूक हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में एक बार जबरदस्त चूक और फिर नीतीश कुमार बाल बाल बच गए हैं। जी हां, नीतीश कुमार पर इन दिनों लगातार सुरक्षा में चूक हो रही है, जिस वजह से कोई ना कोई अप्रिय घटनाएँ जो हैं वो घट जा रही हैं। बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा के घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे और इसी निरीक्षण करने के दौरान जेपी सेतु जो हाजीपुर पटना छपरा सिवान गोपालगंज मुजफ्फरपुर को जोड़ता है, इस पुल के एक पाए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टीमर टकरा गया है, जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री को हल्की चोटें आई हैं लेकिन वो बाल बाल बच गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की राजधानी पटना से, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा पे एक बार फिर से चूक हुई है। और इस सुरक्षा में जहां तक रिपोर्ट ये आ रही है, जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को हल्की सी चोट भी लगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। देखिए मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगातार चूक हो रहा है, आपने नालंदा में देखा होगा, आपने एक जगह और देखी होगी, ऐसी तस्वीरें आई होंगी जब चूक हुई थी दूसरी बार, जहां पे अब ये कुल मिलाकर के तीसरी बार जो खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक बार फिर से चूक हुई है। वो स्टीमर से पटना के गंगा घाटों का, चूंकि छठ नज़दीक आ रहा है तो उन घाटों का निरीक्षण करने वो पहुंच रहे हैं। आज दोपहर वो निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे कि अचानक से उनके जो स्टीमर होता है, जिस स्टीमर पर बैठ के वो पटना गंगा नदी में जायजा ले रहे थे घाटों का, उन घाटों पर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा भारी चूक हुई है और जिस स्टीमर पे वो बैठे हुए थे उसी स्टीमर में जो है जेपी सेतु से जाकर टकराई, और टकराने के बाद स्टीमर का एक भाग जो है वो क्रैक किया और थोड़े से स्टीमर जो है डगमगाई और नीतीश कुमार को हल्की सी खरोच और चोट आने की सूचनाएँ जो है खबरें जो हैं वो प्राप्त हो रही हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर इन दिनों सुरक्षाकर्मियों के द्वारा लगातार जो है वो कमी देखी जा रही है, चूक देखी जा रही है। अगर इस तरह के सुरक्षाकर्मी नीतीश कुमार के पास रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं बिहार के वो, और जिस तरीके से वो अपने काफिले के साथ जाते हैं, हालाँकि उनके साथ कारकेट जाता है, पुलिस की गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन भारी चूक कहीं ना कहीं सुरक्षाकर्मियों के द्वारा हो जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इस तरीके से सुरक्षा कर्मियों में चूक कहीं ना कहीं बहुत गलत संदेश जा रहा है। इस तरीके से नीतीश कुमार को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए अपनी सुरक्षा कर्मियों को लेकर के, राज्य सरकार को इस पर कड़ा एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। तो बड़ी खबर और बड़ी जो जानकारी आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में एक बार चूक हुई है। गंगा में वो घाटों का निरीक्षण करने के लिए उतरे हुए थे स्टीमर से, इसी बीच जेपी सेतु से उनका स्टीमर टकराता है और नीतीश कुमार को हल्की चोट आती है। तो बड़ी खबर है ये। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।